हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेसफुल सुनील सर की क्लास में। दोस्तों, आज का जो मैं टेस्ट पेपर यानी कि एग्जाम जो आपके सामने लेकर आया हूँ, ये है HTET यानी कि हरियाणा का जो टेट का पेपर होता है, जो कि TGT लेवल का होता है, TGT उसका ये आंसर की है, जिसका पेपर 3 तारीख को यानी कि 3 दिसंबर सन 2023 को हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर हल करना, और आप मेरे साथ साथ इन पेपर्स को हल करिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं, क्योंकि अभी हाल में ही आपके बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स होने वाले हैं, जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी भी हो सकता है और साथ में आपके ईएमआरएस का पेपर भी लगा हुआ है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे मैंने आपका इंग्लिश वर्जन भी इसके साथ दे रखा है, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है, आप वहां से इसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहला नंबर क्वेश्चन। और एक चीज बता दूं कि ये हम लोग आंसर की का डिस्कशन कर रहे हैं, ये कोई ऑथेंटिक आंसर की नहीं है। इसके आंसर्स हम और आप डिस्कशन करके निकालेंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर से जरूर कमेंट करिएगा, और साथ में इसको आप शेयर भी करिए। ठीक है, मेरा एक ऐप है सक्सेस विद सुनील सर के नाम से, आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैं फ्री के कई सारे टेस्ट पेपर कंडक्ट कराता हूं, और आप वहां से टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी है, आप चाहें तो उसको भी ले लीजिए। नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर पहले नंबर क्वेश्चन से। काले रंग की का नरम लकड़ी का कोयला कहलाता है। ऑफकोर्स चारकोल, आपको मालूम है कि अंगूर की जो बेल होती है उसका चारकोल सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बाकी के ये फोर्थ पार्ट है आपका, सॉरी फोर्थ पार्ट नहीं है ये आपका, हाँ ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपका, ठीक है, बाकी 3 पार्ट और होते हैं, तो ये चौथे नंबर पार्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कब संविधान सभा ने एक नए ध्वज को स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया? ठीक है, इसका आंसर एकदम सही है, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक है, यानी कि हल्का और जो गहरापन होता है उसको क्या कहते हैं, तान कहते हैं, एकदम सही, टोन, एक ही रंग की कई सारी टोन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, ऋषिपत्नम, मृगदाव, एकदम सही, यह है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में भाव का क्या अर्थ है? भाव, देखिए इनर फीलिंग, जब किसी कोई आर्टिस्ट जब अपनी अंदर की भावनाओं को प्रकट करता है तो वही उसकी भाव कहलाता है। ठीक है, तो आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई देनी चाहिए, यानी कि ये वाला आंसर इसका सही होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस सभ्यता का नाम बताइए जो अपनी पकाई गई मिट्टी की ईंटों के मकानों तथा जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए प्रचलित रहा। एकदम सही, सिंधु घाटी की सभ्यता इसका आंसर है। मथुरा चित्रकला में प्रयुक्त प्रस्तर है, यानी कि पत्थर कौन सा है जो कि मथुरा चित्रकला में प्रयोग होता था? ठीक, एकदम सही, सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर जो है आपका, ये मथुरा चित्रकला के लिए फेमस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है, आप इन प्रश्नों को बहुत गौर से, जब भी प्रश्न पढ़ते हैं बहुत गौर से देखा कीजिए है या नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सूजा जो है ये एकदम सही, ये बंगाल के कलाकार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत के आख्यान उकेरित मिलते हैं, कहाँ पर उकेरे गए हैं, कहाँ उसकी कार्विंग हुई है? महाबलीपुरम, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खजुराहो मंदिर का समूह नहीं है? ठीक है, देखिए कालका माता मंदिर जो है ये आपका खजुराहो मंदिर का समूह नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, शिव विश्वनाथ मंदिर, ये सब आपके वहीं के खजुराहो के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए शेखावटी प्रसिद्ध है, शेखावटी किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, चित्रित हवेलियों के लिए, ठीक,
छतरियों के लिए, कुएं बावड़ियों के लिए या उपयुक्त सभी के लिए? तो देखिए यहाँ पे चित्रित हवेली आपका सटीक आंसर है, क्योंकि छतरियों से क्या मतलब है, इंग्लिश वर्जन में भी ही छतरीज ही लिखा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका चित्रित हवेलियों के लिए ही सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से चित्रित प्रति बाबर अपने साथ लेकर आया था? एकदम सही, शाहनामा इसका आंसर है, शाहनामा। ठीक है, तो जब बाबर भारत आया था तो अपने साथ वह शाहनामा की चित्रित प्रतियों को लेकर आया था, प्रतीक को लेकर आया था। ठीक, दूसरा स्कूल दूसरा देखते हैं। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं बनाने में विशेषता हासिल थी। दोस्तों यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा मेरे को संदेह हो रहा है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गांधार कला को मैं यहाँ पर सही मान रहा हूँ, इसका आंसर मथुरा भी हो सकता है, इन दोनों में से एक डाउट है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो गांधार कला है ना, उसका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो क्या है, बुद्ध की प्रतिमा की रचना करने का महत्वपूर्ण योगदान जो है वो गांधार कला को जाता है। जबकि अगर हम मथुरा कला की बात करते हैं, तो मथुरा कला का योगदान ये है कि जो भारतीय शैली के जो बुद्ध है ना, उनकी मूर्तियों को बनाने का, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय शैली की जो मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनी हैं, वह जो श्रेय है ना, वह मथुरा कला का है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमा को बनाने की विशेषता किसने हासिल की, अब इन दोनों में से कोई एक मेरे को डाउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस जोधपुर महाराजा के काल में ढोला मारवानी विरह पर 121 चित्रों की श्रृंखला बनाई गई? तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है ना, ये मानसिंह होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंपनी शैली से संबंधित है? ठीक है, साहिब राम नहीं है, ये तो जयपुर का कलाकार था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कला निश्चित सिद्धांतों व निश्चित नियमों पर आधारित? ठीक है, शास्त्रीय कला, क्लासिकल जो होती है वही आपके शास्त्रीय से संबंधित होती है, क्लासिकल उसका मतलब ही होता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग साथ में अपने आंसर्स चेक करते रहिए कि कौन कौन से आपके सही हो रहे हैं। आप पॉज कर करके, अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो आप पॉज कर करके अपने आंसर्स को भी मतलब टिक करते चलें, लिखते चलें कि कौन सा आपका आंसर सही हो रहा है। ठीक है, मेवाड़ शैली के सबसे प्राचीन चित्र अभ्रंश शैली में निर्मित सुपाशनाथचर्यम एवं सुपाशनाथम चित्रित हुआ है लगभग कौन सा, इसका ईयर है? एकदम सही, 1423, 1423 इसका सबसे सही समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश मूर्ति संबंधित है? ठीक, एकदम सही, ये आपकी एलिफेंटा से संबंधित है। ठीक है, त्रिमूर्ति जिसको बोलते हैं वही वाली है ये। ठीक है, 1876 में भरूच की खुदाई करवा के इसके अवशेष कहाँ भिजवाए गए? ठीक है, तो देखिए भरूच के जो अवशेष हैं वो आपको कोलकाता संग्रहालय में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके सानिध्य में लक्ष्मा गौड़ ने म्यूरल चित्रण की शिक्षा ली? तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि ये जो केजी सुब्रमण्यम है ना, इसका सटीक आंसर जो है वो केजी सुब्रमण्यम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि दिल्ली में जो गांधी दर्शन का जो म्यूरल था ना, उसमें के लक्ष्मण गौड़ जी ने केजी सुब्रमण्यम की सहायता की थी। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई ये आंसर इसका सटीक हो सकता है, कि देखिए फैक्ट तो कहीं ये चीज मुझे लिखी हुई नहीं मिली है अब तक, तो केजी सुब्रमण्यम के लिए लाइन लिखी हुई है कि लक्ष्मण गौड़ जी ने जब गांधी दर्शन का जो चित्र म्यूरल जो बना रहे थे, उसमें उन्होंने लक्ष्मण गौड़ जी ने उनकी मदद की थी। ठीक, बाग में कुल कितनी गुफाएं हैं? आपको सबको पता है कि बाग में कुल मिला के 9 गुफाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वुडकट प्रिंटिंग का सही तरीका क्या है? एकदम सही है, ड्राइंग है, पहले ड्राइंग करिए, फिर कार्विंग करिए, फिर इंकिंग करिए, फिर उसके बाद आप प्रिंटिंग उसकी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातापीपुर गुफाओं का दूसरा नाम क्या था? बादामी। ठीक है, एकदम सही, बादामी नाम है। स्वर्गीय देवकीनंदन शर्मा की कर्म भूमि थी ऑफकोर्स वनस्थली,
वनस्थली इसकी कर्म, इनकी कर्म भूमि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का धरातल का गुण क्या है? पोत, आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। टेक्सचर, बाकी के आपके जो है वो टेक्सचर के पार्ट्स हैं, ठीक है। कैसे कैसे आप टेक्सचर्स प्राप्त कर सकते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं कि नेचुरल टेक्सचर्स आपको मिलते हैं, आप अनुकृत यानी कि आप कॉपी करके टेक्सचर्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सृजित यानी कि क्रिएटेड वाले जो कि आपको प्राप्त होते हैं स्वतंत्र अवस्था में, उनकी बात वो हो रही है। तो ये बाकी सब टेक्सचर के गुण हैं, जबकि जो पार्ट हैं, सॉरी टेक्सचर के पार्ट्स हैं और जो कि उसका धरातल गुण होता है उसको आप टेक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सन 1966 में चोलमंडा आर्टिस्ट की स्थापना किसने की थी? एकदम सही, पंडिकर ने की थी। राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता के कौन से नंबर गुफा में आपको प्राप्त होता है? गुफा संख्या 17। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय न बर्बाद हो और आप जल्दी से अपने आंसर्स को मिला सकें। बुद्ध के जीवन के दृश्य एवं जातक कथाओं के दृश्य स्तूप के फलकों में दर्शाए गए हैं। भाई ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे ख्याल से शायद इसका आंसर भरहुत होना चाहिए। मैं एक बात आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, चाहे तो आप कहीं पे इस चीज को जरूर से नोट कर लें कि एक चीज के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। वो प्रमाण ये है कि जो सांची में जो आपको स्तूप प्राप्त होते हैं उसमें से जो स्तूप संख्या 2 है ना, उसमें जातकों से संबंधित जो चित्र प्राप्त होते हैं उसको जन्म स्थली कहा जाता है, ठीक है। जन्म स्थली यानी कि वहीं पर सर्वप्रथम आपको शायद जातकों से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं, ठीक है। तो जन्म स्थली उसको कहा गया है, ठीक है। उकेरने वाली बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरहुत और सांची स्तूप, अब आप वो मत कहिएगा कि सर जी जात को संबंधित चित्र तो आपको अजंता में प्राप्त होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे यह बताना चाहता हूँ कि सांची के स्तूप संख्या 2 में ऐसी चीज लिखी गई है कि जातक संबंधित चित्रों के लिए जन्म स्थली उसको कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरहुत और सांची स्तूप के पत्थर की रेली और प्रवेश संबंधित है, ओके, शुंग काल से संबंधित है, ठीक है। आपको मालूम है कि शुंग काल में उसका जीर्णोद्धार हुआ था, यानी कि जो वर्तमान रूप आप सांची के स्तूप का देखते हैं वो आपको शुंग काल में ही दिखाई देता है, हालांकि अजंता सॉरी अशोक के समय में आपके भरहुत और सांची के स्तूप बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि शुंग काल में ही आकर उसका वर्तमान रूप देखते हैं, पत्थर के द्वारा बना हुआ। 1919 में किसने इंडियन क्राफ्टमैन पुस्तक लिखी थी? आपको आनंद कुमार स्वामी जी ने लिखी थी, तो बहुत अच्छा है। आप बकायदा इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें 100-150 के लगभग मैंने बुक्स और उनके राइटर्स बताए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ओके। चित्र में मोटी और भारी भारी रंगों के प्रयोग को कहा जाता है इम्पेस्टो, एकदम ठीक है, इम्पेस्टो टेक्निक है, मोटे मोटे थिक कलर्स को लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता समूह 1943 की स्थापना किसने की थी? प्रदोष दास गुप्ता, एकदम सही, तो सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यामिनी राय की कला से संबंधित आकार हैं, ठीक है, लोक कला से प्रेरित थे, एकदम सही, ठीक है, लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1405 में गुलेर की स्थापना किसने की थी? हरि सिंह गुलेर के नाम से जाना जाता था, हरिचंद ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो क्वेश्चन आपका केवीएस में कई बार पूछा जा चुका है। चांद बीबी पोलो खेलते हुए संबंधित है, ठीक है, बीजापुर से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर राज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? राव बीको इसका आंसर है, राव बीको, बीकानेर से बीको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1952 में इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग के प्रकाशक कौन है? डब्ल्यू जी आर्चर। ये सारी बुक्स आपको वहीं मिल जाएंगी जो मैंने इसके ऊपर बकायदा एक वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र पर किसने टीका लिखी थी? ऑफकोर्स यशोधर पंडित, सबको ही पता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेतृत्व मुद्रा में मंजीरा वादिका, ये मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोणार्क में प्राप्त हुआ है। बकायदा अगर आपने बुक्स देखी होंगी, कोई भी फेमस बुक आप देख लेंगे तो उसमें ये आपको बकायदा फोटोग्राफ देखने को मिल जाएगा। इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नटराज शिल्प संबंधित है ताम्र धातु के लिए, देखिए कितना मजेदार है। कल जो पेपर आपका हुआ था HTET का, जो PGT लेवल का पेपर था, उसमें भी सेम प्रश्न मिलता जुलता पूछा गया था, ठीक है ना? तो चोल चित्रकला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। एक किताब, एक ईंट और चाकोर डिब्बा, ठीक है, ये तो घनाप का है, सबको पता है घनाप, ठीक है, क्यूबाइड इसको बोलते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृता शेरगिल का कौन सा चित्र इसमें से नहीं है? भारत माता, भारत माता, बुद्ध और सुजाता, याद है ना किसका? जल्दी से कमेंट करके बताइए। भारत माता, बुद्ध और सुजाता, किसका फेमस चित्र है? अगर ये नहीं आता है ना आप लोगों को, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई तो एकदम बेकार चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 1558 से लेकर 1572 तक अकबर ने कहाँ चित्रशाला स्थापित करवाई? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आगरा है, इसका आंसर जो है ना 1572 तक का आगरा में उन्होंने अपनी चित्रशाला स्थापित करवाई थी। इसके बाद जो है वो फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अपनी कार्यशाला को स्थापित करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर, कांच, टाइल आदि के रंगीन टुकड़ों को जमाकर बनाया गया चित्र मोजैक कहलाते हैं, ये तो सबको ही पता है। मोजैक, मोजैक का उदाहरण आपके अपने घरों में या कहीं पर भी आसानी से देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी, पहले तो इसी का ही प्रयोग होता था ज्यादातर घरों में, मोजैक वगैरह लोग अपने घर में फर्श पे लगवाते थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ किस लोक चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक चित्रण कौन सा है, ये थोड़ा सा मेरे लिए डाउट है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए दो स्थान आपके लिए फेमस है, ठीक है। देखिए, गोंड चित्रकला आपको पता ही है कि गोंड जिला जो है वो गोंड चित्रकला जो है वो मांडल जिला एक पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां से संबंधित है। और जबकि पिथौरा की बात करते हैं तो पिथौरा क्षेत्र का ही है। ये दोनों ही कलाएं जो हैं आपके मध्य प्रदेश की हैं, इसलिए इसका सटीक आंसर कौन सा होगा ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता। देखिएगा आंसर की मैं कौन सा आंसर बताते हैं, इन्हीं दोनों में से कोई एक का बताएंगे, हो सकता है गोंड चित्रकला बताई जाए आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? एरिक डिक्सन, ये भी देखिए, अभी ये क्वेश्चन कल पूछा गया था आपका, ठीक है, पीजीटी वाले में, हरियाणा का जो HTET हुआ था उसमें PGT के क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ठीक है, ये तो इसका आंसर एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्र शैलियों के काल क्रम अनुसार को व्यवस्थित करिए, एकदम सही। अजंता, जैन, मुगल, कांगड़ा, ये तो आप कर ही लेंगे जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना? और कोई तो ऑप्शन इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, यही वाला आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीकर के हर्षनाथ मंदिर में श्री हर्ष नाम से किस देवता की पूजा की जाती है? दोस्तों इसका आंसर है भगवान शिव, भगवान शिव को समर्पित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदुरई मंदिर किस शैली से संबंधित है? दक्षिण भारत का मंदिर द्रविड़ शैली से संबंधित है, ये पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयोजन के सिद्धांत का सही क्रम, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रभाव, प्रमाण, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता में कौन सी गुफाएं हीन यान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? ठीक है, 8 से लेकर जो 13 तक का है ये गुफाएं हीन यान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट मद्रास, मद्रास की बात हो रही है भाई, 1850 है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्तूप गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के बाएं तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सटीक आंसर है अमरावती, अमरावती स्तूप। कौन सा मंदिर देवगढ़ का उत्कृष्ट मंदिर है? भाई दशावतार मंदिर सबको मालूम है, देवगढ़ झांसी, दशावतार मंदिर। नेक्स्ट कौन से, के हैबर का पूरा नाम, के हैबर का पूरा नाम, कटिंगेरी कृष्ण हब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तुति नामा के कितने चित्र हैं? 103 चित्र हैं। ये भी यूपी टीम कई बार पूछा जा चुका है। पद्म विभूषण 1974 का किसको प्राप्त होता है? ठीक है, तो दोस्तों तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ना, वो विनोद बिहारी मुखर्जी है। देख लीजिएगा आप लोग भी, अगर कहीं डाउट हो रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितनवासन की गुफाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बुक्स वगैरह में इजी मिल जाएगा, है ना? टीएस गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। सिगिरिया गुफाओं का जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा हुई? ठीक है, HC पावेल। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और बाकी कमेंट्स लिखिएगा। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।